हेलो दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ अपने एक नई वीडियो लेके, हाउ टू इम्प्रूव इम्यूनिटी बाय योगा पार्ट टू। हमारे शरीर में 10 एनर्जी पॉइंट होते हैं जो समूह में होते हैं, जो हमारे हाथों में 5 लेफ्ट हैंड 5 राइट हैंड, इसी तरह से 5 राइट लेग एंड 5 लेफ्ट लेग में होते हैं, जिन्हें हम इन संख्याओं द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण एक्यूप्रेशर है, जिसमें हम शरीर का इलाज इन ऊर्जा पॉइंट को दबाने से करते हैं। इन ऊर्जा पॉइंट द्वारा ही हमारे शरीर में ऊर्जा का वहन होता है। तो आगे बढ़ते हुए बात करते हैं सूर्य नमस्कार की। नमस्कार मुद्रा स्टेप 1, इससे हमारे शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रसार होता है, वो भी अच्छे स्तर पर, जिस पे हमारे 10 ऊर्जा बिंदु आपस में परस्पर मिलते हैं और ऊर्जा का वहन पूरे शरीर में समरूप होता है। स्टेप 2, सांस भरते हुए शरीर के पीछे की ओर ले जाएं तथा अगली सांस तक रोकने का प्रयास करें। लाभ, कमर को लचीला बनाता है, यह आकर्षक बनाता है, लिप्ट उसकी परेशानी को दूर करता है और सर्वाइकल की परेशानी को भी दूर करता है। स्टेप 3, पादहस्तासन। सांस को छोड़ते हुए शरीर के ऊपरी भाग को अपने पैरों की ओर खींचते हुए ले जाएं तथा अगली सांस तक रोकने का प्रयास करें। लाभ, घुटने दर्द को ठीक करता है, बॉडी के अलाइनमेंट को ठीक करता है और थकान को दूर करता है। कमर दर्द में इस आसन का अभ्यास धीरे धीरे करें अथवा गर्दन को सामने की ओर रख के प्रयास करें। स्टेप 4, अश्व संचालन क्रिया सीधी ओर से। श्वास भरते हुए बाएं पैर को पीछे ले जाएं तथा सिर को सामने रखने का प्रयास करें और अपने सीधे पैर को दोनों हाथों के तले के बीच में रखें। लाभ, सर्वाइकल साइटिका को दूर करता है और कमर की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है। स्टेप 5, पर्वतासन। श्वास छोड़ते हुए दोनों पैरों को पीछे की ओर ले जाएं तथा हाथों को आगे की ओर और कमर को पर्वताकार रूप में लाने का प्रयास करें। इस आसन का अभ्यास अपनी दूसरी सांस तक करने का प्रयास करें। लाभ, सर्वाइकल को ठीक करता है, शोल्डर पेन को रिलीज करता है और शोल्डर पावर को बढ़ाता है, घुटने दर्द को बहुत जल्दी आराम देता है। स्टेप 6, अष्टांग नमस्कार। इस अवस्था में हमारे शरीर के 8 अंग धरती से जुड़े रहेंगे, जो इस प्रकार हैं: 2 हथेलियाँ, 1 दक्ष भाग, 1 ठुड्डी और 2 घुटने तथा 2 पंजे। अन्य सभी भाग धरती से ऊपर की ओर रहेंगे। लाभ, पुराने कमर को बहुत जल्दी आराम देता है, सर्वाइकल दर्द को दूर करता है तथा फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है। स्टेप 7, भुजंग आसन। श्वास भरते हुए शरीर के नाभि से ऊपरी भाग को उठाएं और गर्दन को ऊपर की ओर करें। अपनी अगली सांस तक इसे रोकने का प्रयास करें। दोनों पंजे, दोनों घुटने जोड़ने का प्रयास करें और हथेलियों को जमीन पर पूरा रखने का प्रयास करें। लाभ, सर्वाइकल को दूर करता है, पाचन शक्ति बढ़ाता है और शरीर को फ्लेक्सिबल बनाता है। स्टेप 8, पर्वतासन। उसी प्रकार से करेंगे जिस प्रकार से पहले किया था। स्टेप 9, अश्व संचालन बाईं ओर से। स्टेप 10, पादहस्तासन। स्टेप 11, अर्धचंद्रासन और उसी प्रकार से अंत में नमस्कार मुद्रा। सूर्य नमस्कार के ये 12 अंग हैं, जिनके प्रतिदिन 10 राउंड अभ्यास से शरीर को कोई भी रोग ग्रसित करने की संभावना लगभग ना के बराबर हो जाती है। जिन अभ्यर्थियों को इंजरी संबंधित कोई परेशानी हो तो इंजरी को ठीक होने के बाद इसका प्रयास अथवा प्रैक्टिस करें। तो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो वीडियो को तो लाइक कर ही देना।